जगह अब आगे हीटिंग देखते हैं और प्रोटॉन की। एनाल किरण। जब ये पता चला, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज या फिर कैनाल कैथोड किरणें की खोज किस प्रकार हुई थी? विसर्ग नली में हमने क्या किया था, दाब को कम किया था और 10,000 वोल्ट की धारा डाली थी, है ना, ऐसा किया था ना, इससे पहले हमने पढ़ा है उसको, है ना। तो इसके बाद वहाँ से हमें ये पता चला कि जो गैस के परमाणु होते हैं उसमें ऋणावेशित कण होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो गोल्डस्टीन ने ये सोचा कि गैस के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसी प्रकार धनावेशित कुछ कण भी हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कल्पना किया। उसके बाद उन्होंने एक प्रयोग किया, वो प्रयोग कुछ निम्न तरीके से है, उसको चलिए देखते हैं। देखो, विसर्ग नली में गैस के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने से ही यह आभास हो जाता है कि परमाणु में निश्चित रूप से कुछ धनावेशित कण भी उपस्थित होंगे। ये यहाँ पे कैथोड किरणें के बारे में बताया जा रहा है। कैथोड किरणें में हमने क्या किया था, देखो कैथोड विसर्जन जो नली होती है, विसर्ग जो नली होती है, उसमें एक्चुअल में गैस भरा होता है। कौन सी गैस, ये तो आप मतलब ये तो कोई सा भी गैस हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस या फिर कोई सा भी गैस विसर्ग नली के अंदर भरा हुआ रहता है। उसके बाद ऊपर से क्या करते हैं, निर्वात नली से गैस का दाब को कम करते हैं। कितना रखे थे 0.1 मिमी और 10,000 वोल्ट की धारा उसमें डाले थे, तो वहाँ पर कैथोड किरणों की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर ये बताया गया कि वहाँ पर गैस के परमाणु में ऋणावेशित कण होते हैं, उसी प्रकार उसमें धनावेशित कण भी हो सकते हैं, ये सोचा गोल्डस्टीन ने और यहाँ पे एक प्रयोग किया। 1836 में गोल्डस्टीन ने विसर्ग नली के प्रयोग में छिद्रित कैथोड का उपयोग करके साबित किया कि निम्न दाब पर जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न किया जाता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो नए प्रकार की प्रकाशित किरणें मिलती है जो कैथोड के छिद्रों से होकर कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी। इन किरणों को जो कि धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। इस प्रयोग को हम लोग देखते हैं एक बार। तो अब देखते हैं एनोड किरणें अथवा कैनाल किरणें की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसमें गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक विसर्ग नली लिया, उसमें छिद्रित कैथोड का उपयोग किया, विसर्ग नली लिया उसमें छिद्रित कैथोड का उपयोग किया और निम्न दाब पर फिर से उच्च वोल्ट की धारा इसमें प्रवाहित की। गोल्डस्टीन ने एक विसर्ग नली लिया और उसमें छिद्रित कैथोड का भी उपयोग किया और इस नली में निम्न दाब पर उच्च वोल्ट की धारा प्रवाहित की। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे कुछ कण ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं एनोड से, या फिर कुछ किरणें हमें ऐसी दिखाई दी जो एनोड से कैथोड की ओर गति कर रही थी या फिर छिद्रित कैथोड के विपरीत गति कर रही थी। ये छिद्रित कैथोड है तो इसके विपरीत गति कर रही थी। इन ये किरणें एनोड से आ रही थी, इस कारण इन किरणों को एनोड किरणें या फिर धनात्मक किरणें नाम दिया गया। ठीक, देखो जो किरणें एनोड से इधर की ओर आ रही है उसको एनोड किरणें और जो इधर की ओर जा रही है उसको कैथोड किरणें कहा गया। ये समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, बस यहाँ पे क्या किया गया है, सेम वैसे ही है, विसर्ग नली लिया गया है जिसमें दाब को कम किया गया है और उच्च वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाएगी और यहाँ पे छिद्रित कैथोड का उपयोग किया गया है। जैसे ही मतलब धारा प्रवाहित करते हैं जो किरणें होती है वो एनोड से छिद्रित कैथोड को पार करते हुए क्या करती है, एनोड से कैथोड की ओर छिद्रित कैथोड के विपरीत दिशा में गति करती है। छिद्रित कैथोड के विपरीत दिशा में जो किरणें गति कर रही थी उसको हमने नाम दिया एनोड किरणें या फिर धनात्मक किरणें। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे धनात्मक किरणों की खोज हुई या फिर एनोड किरणों की खोज हुई। ठीक, तो यहाँ तो देखो एनोड किरणें जो होती है छिद्रित कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी। ये किरणें जो थी धनात्मक कणों से मिलकर बनी थी। एनोड किरणें जो थी छिद्रित कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी और यह किरणें धनात्मक कणों से मिलकर बनी थी, इस कारण इन्हें एनोड किरणें या फिर कैनाल किरणें कहा गया। ठीक, अब आगे देखते हैं एनोड किरणों के गुण के बारे में। हमने कैथोड के बारे में, एनोड के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में देखा है तथा इनके गुणों के बारे में भी पढ़ लिया है ना, और साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बारे में देखा है। तो आज हम लोग देखेंगे
थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु नाभिकीय मॉडल। ठीक है, तो अब तक हमें ये पता है कि परमाणु के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहाँ पर होते हैं, इसको जानने के लिए थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। सन 1898 में, कब, 1898 में थॉमसन ने, तो 1898 में थॉमसन ने बताया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, गोलाकार होती है, जिसमें परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग है वो समान रूप से क्या होता है, वितरित रहता है, तथा जो ऋणावेशित भाग होता है उसके बीच बीच में क्या होता है, गुथा हुआ रहता है। थॉमसन ने बताया कि, थॉमसन ने 1898 में बताया परमाणु की संरचना जो होती है गोलाकार होती है, जिसमें धनावेशित भाग जो होता है समान रूप से फैला हुआ रहता है, तथा ऋणावेशित भाग उसके बीच बीच में क्या होते हैं, बीच बीच में गुथे हुए रहते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु में जितना धनावेशित भाग होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेशित भाग होता है। मतलब परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। तो ये क्या हो गया, अब परमाणु क्या हो गया, एक उदासीन हो गया है ना, जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, तो क्या हो गया, परमाणु एक उदासीन हो गया। तो उन्होंने बताया कि परमाणु एक उदासीन होता है। ठीक है, उसके बाद परमाणु ने, उसके बाद थॉमसन ने इस परमाणु मॉडल की तुलना किससे की, तरबूज से की। उन्होंने बताया कि तरबूज का जो लाल भाग होता है, तरबूज होता है ना वाटरमेलन, तरबूज का जो लाल भाग होता है वो क्या होता है, उसमें उपस्थित क्या होते हैं, तरबूज का जो लाल भाग है वो परमाणु में उपस्थित धनावेश के समान है, तथा तरबूज का जो बीज होता है, मतलब तरबूज का जो बीज का जो काला भाग होता है वो परमाणु में उपस्थित ऋणावेश के समान होता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। थॉमसन ने 1898 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन ने बताया कि परमाणु की संरचना गोलाकार होती है, परमाणु में धनावेश जो होता है, परमाणु में जो धनावेश होता है वो समान रूप से फैला हुआ रहता है, तथा जो ऋणावेशित भाग होता है वो बीच बीच में क्या होता है, गुथा हुआ रहता है। परमाणु में क्या होता है, ऋणावेश, जितना ऋणावेश होता है उतना भी क्या होता है, धनावेश भी होता है। इस प्रकार परमाणु एक उदासीन होता है। थॉमसन ने परमाणु की तुलना तरबूज से की। तरबूज का जो लाल भाग होता है वो परमाणु में उपस्थित धनावेश के समान है, तथा तरबूज के जो बीज होते हैं, मतलब जो काला भाग होता है, तरबूज के बीज जो होते हैं, मतलब जो काला भाग होता है वो परमाणु में उपस्थित ऋणावेश के समान है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के समान है। ठीक है, इस प्रकार इस मॉडल की तुलना थॉमसन ने तरबूज से की और इस मॉडल को हम लोग और क्या कहते हैं, इसके और नाम है पुटिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल। इस मॉडल, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसका नाम है पुटिंग मॉडल या फिर प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। ठीक, अब आगे देखेंगे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग एवं परमाणु का नाभिकीय मॉडल। ठीक है, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। रदरफोर्ड ने 1911 में एक अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी एक प्रयोग किया जो निम्न तरीके से है, या फिर उनके उपकरण कुछ निम्न प्रकार से हैं। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी एक प्रयोग किया जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। 1911 में, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, 1911 में रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी एक प्रयोग किया जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसमें। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेड ब्लॉक में रखा
रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक लेड ब्लॉक में रखा ताकि उससे मतलब इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले किरण को फैलने से क्या कर सकें, हम लोग रोक सकें। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक लेड ब्लॉक में रखा ताकि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें को क्या कर सकें, हम लोग रोक सकें। यहाँ पे लेड ब्लॉक क्या कर देता है, उसको रोक देता है, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक स्लिट से गुजारा ताकि अल्फा किरणों की एक सीधी धारा पुंज प्राप्त हो सके, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक स्लिट से गुजारा ताकि अल्फा किरणों की एक सीधी धारा पुंज प्राप्त हो सके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्लिट क्या है, एक मान लेते हैं एक दीवार है, मान लेते हैं यहाँ पे दो दीवार को हम लोग रखे हैं और बीच में क्या है तो हल्का सा छेद बना दिए हैं ताकि धारा पुंज क्या हो मतलब जो किरण हो क्या हो सके, सीधी जा सके, ठीक है। स्लिट मतलब मान लेते हैं छोटी छोटी दीवार है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा कि सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसको कहाँ पे रखा, लेड ब्लॉक में रखा ताकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरण रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणों को क्या कर सके, फैलने से रोक सके। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक स्लिट से गुजारा ताकि अल्फा किरणों की एक सीधी धारा पुंज प्राप्त हो सके। अब अल्फा किरणों की बौछार सोने की पतली पन्नी पर करवाई देखो यहाँ पे सोने की पतली पन्नी की जो मोटाई है कितना है, 100 नैनोमीटर है। सोने की पतली पन्नी की मोटाई कितनी है, 100 नैनोमीटर है। तो अब अल्फा किरणों की बौछार किस पर करवाई, सोने की पतली पन्नी पर टकराने के बाद अल्फा किरणें क्या हो रही थी, इधर उधर फैल रही थी। सोने की पतली पन्नी पर टकराने के बाद जो अल्फा किरणें थी वो इधर उधर फैल रही थी। तो यह अल्फा किरणें कहाँ फैल रही है, कहाँ जा रही है, इसको जानने के लिए, इसको पता करने के लिए सोने की पन्नी के चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया। सोने की पन्नी के चारों तरफ क्या लगाया गया, फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई गई। इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या चढ़ाई गई, जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई गई। जब अल्फा किरणें इस प्लेट पर पड़ती थी तो वहाँ पर वो एक स्पॉट मतलब एक फ्लश बना रही थी, फ्लश समझ रहे हो, एक चमक या फिर एक धब्बा बना रही थी। अगर यहाँ पर धब्बा बनेगी तो हमें ये पता चल जाएगी कि अल्फा किरणें यहीं पर आई है, यहाँ पर एक धब्बा बनेगी तो ये पता चल जाएगी कि अल्फा किरणें यहीं पर आई थी। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आगे हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। रदरफोर्ड ने 1911 में एक अल्फा किरण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग किया जो निम्न तरीके से हैं। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थों को एक लेड ब्लॉक में रखा ताकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणों को फैलने से रोक सके। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक स्लिट से गुजारा ताकि एक सीधी धारा पुंज प्राप्त हो सके। उसके बाद इन अल्फा किरणों की बौछार सोने की पतली पन्नी से टकराने के बाद अल्फा किरणें इधर उधर बिखर रही थी। उसे पता करने के लिए रदरफोर्ड ने पन्नी के चारों तरफ फोटोग्राफी प्लेट लगाया जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की परत लगाई गई। जब भी अल्फा किरणें इस प्लेट पर पड़ती थी वहाँ पर क्या एक धब्बा या फिर एक चमक उत्पन्न करती थी। ये समझ में आ गया, ये है प्रयोग, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ वो पदार्थ होता है जो अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, इन सब किरणों को क्या करता है, निकालता है। जैसे कि रेडियम हो गया, है ना, रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। थोरियम क्या है, पोलोनियम, ये सभी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणों को निकालते हैं। उसके बाद क्या है,
उसके बाद यहाँ पे स्लिट, स्लिट के बारे में पता है मतलब एक दीवार है जिसमें क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे धारा को मतलब अल्फा किरणों को हम लोग यहाँ जैसे कि धारा अल्फा किरणें इधर उधर फैल रही है तो उसको एक जगह सीधी रेखा में लगाने जाने देने के लिए यहाँ पे स्लिट को लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे अल्फा किरणों की बौछार सोने की पतली पन्नी में क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जो आपको पता होगा सोने में आघात वर्धिनी का गुण पाया जाता है, मतलब यहाँ पे सोने को हम लोग पीटेंगे मतलब पीट रहे हैं उसको, दबा रहे हैं पीट रहे हैं तो क्या होगा वो पतला मतलब एक चादर की तरह हम लोग उसको बना सकते हैं। मतलब क्या होता है जो धातु होता है सोने का, जो धातु होता है उसको पीट पीट कर हम लोग एक पतली पन्नी तैयार कर सकते हैं। देखो और जितनी जितना पतला वो होगा कोई भी धातु जितना पतला होगा उसमें परमाणु जो होंगे वो स्पष्ट पता चल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि सोने की पतली पन्नी है मतलब वो क्या है, सिर्फ एक लेयर है, बहुत पतली है वो, बहुत पतली। हमने बोला ना यहाँ पे 100 नैनोमीटर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी मोटाई 100 नैनोमीटर है मतलब वो बहुत पतली है। इसका मतलब उसमें परमाणु की सिर्फ एक सिंगल संरचना है, ये है। और जब भी इसमें अल्फा किरणें पड़ेगी तब वहाँ पे परमाणु का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा और परमाणु की एक स्पष्ट संरचना हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे सोने पतली पन्नी लिए गए हैं, सोने की लिए गए हैं, क्योंकि सोने में आघात वर्धिनी का गुण पाया जाता है, उसमें फैलने की मतलब वो उस अपनी संरचना को बहुत पतला कर सकता है, उसको पीट पीट कर हम लोग एक चादर की तरह पतला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोटोग्राफी प्लेट इसलिए बनाया गया है क्योंकि फोटोग्राफी जो प्लेट होता है उसमें प्रकाश पड़ता है तो उसमें एक चमक या फिर एक धब्बा दिखाई देता है। जिस तरह एक रील होता है, पहले कैमरे में क्या था, रील रखा जाता था, और रील में क्या होता था, जो काला कलर का होता था, रील में क्या होता था, जो चित्र पड़ता था उसमें क्या उसके चित्र का संरचना क्या होता था उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था, काला या फिर धब्बा जहाँ पे मतलब फेस का जैसे कि चित्र बना रहे हैं या फिर फोटो खींच रहे हैं तो वहाँ पे रील में क्या होता था वो उसकी संरचना दिखाई देती थी। इस कारण यहाँ पे प्लेट बनाया गया है, फोटोग्राफी प्लेट रखा गया है ताकि जो अल्फा किरणें पड़ेगी उसकी जो चमक है या फिर उसकी जो निशान है वहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग किया था उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकला, उन्होंने क्या क्या अवलोकन किया और क्या क्या निष्कर्ष निकला। तो यहाँ पे देखिए जो चित्र दिया है, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा किरणों को भेजा जा रहा है और यहाँ क्या है, सोने की पतली पन्नी में जो परमाणु होते हैं, देखो कोई भी पदार्थ होता है परमाणु से मिलकर के बना है, तो यहाँ पे जो सोने की पन्नी है वो भी किससे मिलकर बनी है, परमाणु से। तो यहाँ पे परमाणु की संरचना को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है ताकि ये पता चले कि अल्फा किरणें कहाँ जा रही हैं और किससे टकरा करके जा रही है, ठीक है। तो पहला में उन्होंने देखा, रदरफोर्ड ने, अधिकांश अल्फा कण अविचलित रहते हैं। अधिकांश अल्फा कण कैसे रहते हैं, अविचलित मतलब सीधे गति कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ से अल्फा किरणें को भेजा जा रहा है तो यहाँ पे पहले वाले लाइन में जो अल्फा कण जा रहे हैं उसको देखिए सीधी जा रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो अल्फा कण जा रहा है वहाँ वो भी कहाँ जा रही है, सीधी जा रही है। इससे ये पता चलता है कि इसमें अधिकांश अल्फा कण क्या होती है, सीधी गति करने लगती है। तब उन्होंने ये बताया कि अधिकांश मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, या फिर परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, ठीक है। दूसरा है, कुछ अल्फा कण विचलित होते हैं, मतलब जब अल्फा कण को परमाणु में डाला जाता है तो कुछ ही अल्फा कण ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा कण जा रहा है तो और यहाँ से विचलित होकर के इधर चला गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्फा कण जो होते हैं धनावेशित होते हैं। अल्फा कण किससे मिलके बना होता है, धनावेश से, और यहाँ पे परमाणु के बीच में अगर धनावेश रहेगा तभी यह अपने मार्ग से क्या होंगे, विचलित होंगे। कुछ अल्फा कण विचलित होते हैं अतः परमाणु के केंद्र में कुछ धनावेश कण होने चाहिए। चूँकि अल्फा कण भी भारी द्रव्यमान युक्त हैं अतः यह धनावेशित केंद्र भी भारी द्रव्यमान युक्त होना चाहिए।
मतलब अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान भी भारी होता है, इस कारण अगर बीच में कोई धनावेश है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए। अल्फा कण धनावेशित है तो यहाँ पे बीच में जो होगा, जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, वो भी धनावेशित होगा, क्योंकि समान ध्रुवों में ही क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। अगर ये आने वाला प्लस है, अगर ये बीच में जो होगा वो प्लस होगा, तभी यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। अगर यहाँ पर जो अल्फा कण आ रहे हैं वो प्लस में है, लेकिन बीच वाला अगर माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आकर्षित हो जाएंगे, ये आकर के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये अल्फा कण प्लस में है और बीच में जो है, बीच में कोई भी कुछ भी है, वो अगर वो प्लस में है, तो यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। तो रदरफोर्ड के दूसरे निष्कर्ष से ये पता चल गया कि किसी भी परमाणु के जो बीच वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, जो धनावेशित होता है, और इसका द्रव्यमान भी क्या होता है, भारी होता है। उसके बाद तीसरा है रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि इनमें से जब अल्फा कण की बौछार हुई तो बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे थे जो अधिक विचलन प्रदर्शित कर रहे थे। मतलब एक परमाणु में सिर्फ एक ही अल्फा कण ऐसा था जो अधिक विचलन प्रदर्शित कर रहा था। मतलब जब इसमें अल्फा कण को सीधा यहाँ पे जो धनावेश है उसके सीधे में आपतित किया जाता है, या फिर कुछ अल्फा कण इस धनावेश के सीधे में आपतित होते हैं, तो जिस मार्ग से वो जाते हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। अल्फा कण किससे मिलकर बने हैं, धनावेशित कणों से। अल्फा कण धनावेशित होता है और बीच में जो नाभिक है वो भी धनावेशित है। अगर कोई अल्फा कण इसके सीधे में आता है तो ये वाला धनावेश जो आ रहा है वो धनावेश, और बीच वाला धनावेश में एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रतिकर्षण होता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, फिर से अपने मार्ग में वापस चले जाते हैं। इस कारण रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो नाभिक वाला भाग है वो बहुत कम स्थान घेर रहता है, इसी कारण एक ही अल्फा कण क्या होता है, ऐसा होता है जो अपने मार्ग में वापस जाता है। अगर ये धनावेशित वाला भाग बड़ा होता तो एक से अधिक अल्फा कण इससे टकरा करके वापस चले जाते। ठीक है।